हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। तो आज आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया जाएगा। समय समय पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। उनका कार्यकाल रहा 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने संपूर्णानंद। उनका कार्यकाल रहा 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक। उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने चंद्रभानु गुप्ता। उनका कार्यकाल रहा 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक। उत्तर प्रदेश की चौथे मुख्यमंत्री बनी सुचिता कृपलानी। उनका कार्यकाल रहा 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक। चंद्रभानु गुप्ता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक। उत्तर प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। उनका कार्यकाल रहा 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक। चंद्रभानु गुप्ता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल रहा 26 फरवरी 1969 से लेकर 17 फरवरी 1970 तक। चौधरी चरण सिंह को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक। उत्तर प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री बने त्रिभुवन नारायण सिंह। उनका कार्यकाल रहा 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक। उत्तर प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री बने कमलापति त्रिपाठी। उनका कार्यकाल रहा 4 अप्रैल 1971 से लेकर 12 जून 1973 तक। उत्तर प्रदेश के आठवें मुख्यमंत्री बने हेमवती नंदन बहुगुणा। उनका कार्यकाल रहा 8 नवंबर 1973 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक। उत्तर प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी। उनका कार्यकाल रहा 21 जनवरी 1976 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। उत्तर प्रदेश के दसवें मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव। उनका कार्यकाल रहा 23 जून 1977 से लेकर 27 फरवरी 1979 तक। उत्तर प्रदेश के ग्यारहवें मुख्यमंत्री बने बनारसी दास। उनका कार्यकाल रहा 28 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक। उत्तर प्रदेश के बारहवें मुख्यमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनका कार्यकाल रहा 9 जून 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक। उत्तर प्रदेश के तेरहवें मुख्यमंत्री बने श्रीपति मिश्र। उनका कार्यकाल रहा 19 जुलाई 1982 से लेकर 2 अगस्त 1984 तक। नारायण दत्त तिवारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 3 अगस्त 1984 से लेकर 24 सितंबर 1985 तक। उत्तर प्रदेश के चौदहवें मुख्यमंत्री बने वीर बहादुर सिंह। उनका कार्यकाल रहा 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक। नारायण दत्त तिवारी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान हुआ। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक। उत्तर प्रदेश के पंद्रहवें मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। उनका कार्यकाल रहा 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक। उत्तर प्रदेश के सोलहवें मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। उनका कार्यकाल रहा 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक। मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक। उत्तर प्रदेश की 17वीं मुख्यमंत्री बनी मायावती। उनका कार्यकाल रहा 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक। मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक। कल्याण सिंह को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान हुआ। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक। उत्तर प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश गुप्त। उनका कार्यकाल रहा 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक।
उत्तर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह। उनका कार्यकाल रहा 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक। मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका उस वक्त कार्यकाल रहा 29 अगस्त 2003 से लेके 13 मई 2007 तक। मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 13 मई 2007 से लेके 7 मार्च 2012 तक। उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। उनका कार्यकाल रहा 15 मार्च 2012 से लेके 19 मार्च 2017 तक। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। उनका कार्यकाल 19 मार्च 2017 से शुरू हो चुका है और वर्तमान तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।